देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। गदरपुर के केवलगंज बरीराई क्षेत्र में गांव में रहने वाले लोगों को रोड पर चलने में करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। ग्रामवासियों का कहना है कि हमारी सड़क को बने हुए 15 से 20 साल हो गए, इसके बाद से ना तो इस सड़क की कभी मरम्मत हुई और ना ही दोबारा कभी इसका निर्माण हुआ। कई बार हम कई नेताओं से, पार्टियों से और सरकार से इसको बनवाने के लिए एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, परंतु ना ही सरकार कोई ध्यान देती है और ना ही कोई नेता इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ग्रामवासी भी कहीं आने जाने के लिए परेशान होते हैं। यूं सड़कें इतनी खराब हैं कि गाड़ियों से कभी कभी पत्थर उछलकर लोगों को लग जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को भी चोटें आ जाती हैं। इतनी परेशानियों के बाद भी किसी विधायक या नेता का ध्यान इस सड़क पर नहीं पड़ता है। आश्चर्य है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी सड़कें उन्हीं हालतों में पड़ी हुई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा सरकार से निवेदन है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। करीब कई एक साल हो गए हैं, 10-15 साल। हाँ, तो ये बहुत परेशानी पड़ती है हमें, आने जाने में दिक्कत पड़ती है। बच्चे स्कूल आते हैं इधर तो उनको भी परेशानी पड़ती है आने जाने में, तो इसको सही करवा दो, ये कहना चाहते हैं। कई बार विधायक को कई बार कहा है और ये गांव के प्रधान को कई बार कहा है, मगर ये कुछ नहीं करा है इन्होंने कुछ नहीं करा है अभी तक। इस रोड के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया है। ये बच्चे इधर से जाते हैं स्कूल में साइकिल में, दिक्कतें होती हैं और जो है जैसे गाड़ी गुजरती है, जैसे बच्चे जाते हैं किनारे से तो पत्थर जो है उछलते हैं इसमें से, हैं किसी के सिर में पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, ऐसा होता रहता है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।